महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा एवं हिंदू नाई समाज ने जातिगत जनगणना कराए जाने के विषय में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह एवं हिंदू नाई समाज ने यह मांग उठाई कि अविभाजित भारत की जाति आधारित जनगणना का प्रकाशन सन 1931 के बाद से अब तक नहीं हुआ। सन 1911 में हुई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। जनगणना की आवश्यकता को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं देश के माननीय उच्च न्यायालय ने इसके औचित्य को उचित बताया। जनहित में जो भी कार्यक्रम योजना चलाई जाती है, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उनका अपरिहार्य अंग है। जातिगत जनगणना के बिना किस जाति ने कितना विकास किया, कुछ जातियाँ क्यों और कहाँ पिछली रही का आकलन किसी भी स्तर पर नहीं हो पाता है। विकास के सही नियोजन और क्रियान्वयन के लिए जातिगत आंकड़ों की जानकारी आवश्यक है। जातिगत जनगणना के सभी को आबादी के अनुपात में आरक्षण या अन्य सुविधा देकर आपसे ईर्ष्या और द्वेष को कम करने से राज्य की मजबूती में सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस मौके पर करणलाल, कुलवंत सिंह, नेम सिंह, जगन्नाथ सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जगन्नाथ सिंह नंद, जगन्नाथ जी किस लिए आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या है मामला पूरा? ये हम जाति जनगणना के उपलक्ष में जो है ये ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे कि हम चाहते हैं कि अति पिछड़े दबे कुचले इनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि ये समाज वंचित रहे। न राजनीति में भागीदारी है, न सरकारी नौकरियों में छोटी जातियों को कोई लाभ मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो। दबे कुचले, वंचित, गरीब, दलित, शोषित सभी जो है एक प्लेटफार्म पे आए और उनके भी विकास के बारे में सरकार सोचे। किसको ज्ञापन दिया आपने? हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। ठीक, आज किससे मिलना है? माननीय जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को हम ज्ञापन देने आए हैं।